हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहो एकदम। तो आज आपको बता दूं, जब भी आपकी फीमेल हीट पे आती है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भाई, इस चैनल पे मैं ज़्यादा वीडियोज नहीं करता हूँ, फीमेल्स के जो चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ। तो उसका लिंक मैं दूसरे चैनल का उस पर शेयर लिंक दे दूँगा आप लोगों को। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको फीमेल्स रखनी है, मेल्स रख रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो ज़्यादातर मैं उसी वीडियो उस चैनल पे अपडेट करता हूँ, क्योंकि इस चैनल को मेरे बच्चे भी देखते हैं सब। तो इस चैनल पे ज़्यादा वीडियोस नहीं अपडेट करता हूँ डॉग ब्रीडिंग के रिगार्डिंग्स। तो मेरा अदर चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ले, उस पर सिर्फ ब्रीडिंग के रिगार्डिंग्स ही वीडियो अपडेट करता हूँ। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, अभी बेसिक आपको सिर्फ अभी बता देता हूँ। जो अभी मैंने चार्ली का, मेरी चार्ली ऑलरेडी हीट पे आई हुई है, तो उसको अभी मैंने क्या केयरिंग करनी है। वीडियो ध्यान से देखिएगा यार, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत जो चीज़ नहीं करनी है ना वो ज़बरदस्ती उनको पूछ के करना है, तो इन चीज़ वो सब नहीं करना है। चलो आपको फीमेल दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आपकी फ़ीमेल हीट पे आ जाती है। तो ये भाई अपनी चार्ली ब्लैक जर्मन शेफर्ड। तो चार्ली को क्या, अभी दो दिन हो गए हैं हीट पे आए हुए। तो जब भी आपकी फ़ीमेल हीट पे आ जाती है तो सबसे पहले क्या है, जो उसकी वर्जाइना के साइड के हेयर्स हैं उनको पूरा रिमूव कर दिया आप, ठीक है। पूरी डिटेल्स में वीडियो आपके अदर चैनल पे ही बनाऊंगा। और जब भी आपकी फ़ीमेल हीट पे आ जाती है उसके दो तीन दिन बाद आप उसको बात करा दें, क्योंकि हरदम ध्यान रखिए, अगर फीमेल की जब भी आप मीटिंग करा देते हो तो उसके बाद आपको बात नहीं कराना है कम से कम 2 से 3 महीने। 3 महीने तक आप बात नहीं करा सकते हो, क्योंकि 2 महीने तक आपके पपीज़ होंगे, फिर नेक्स्ट मंथ तक आप वैसे बात नहीं करा सकते हो। अगर आप बात कराओगे तो पपीज़ जो आपके होंगे उनको ठंडी लगने का पूरा चांसेस हो जाता है। तो आप सोचिए 3 महीने तक आप अपने डॉग को मीटिंग कराने के बाद आपको बात नहीं कराना है, हरदम ध्यान रखें। अननेसेसरी वाले सवाल कभी भी ना पूछा करें। अगर आपके डॉग अपनी केयरिंग करनी है तो आप सबसे बेस्ट होता है तो आप उनके हेयर रिमूव कर दीजिए, सिर्फ थोड़े से हेयर छोड़े, ताकि जो पीछे का जो हेयर होता है उस पर आप नॉर्मल बीटाडीन का पानी भी मार के क्लीन कर सकते हैं। तो हरदम ध्यान रखें, जब भी आपकी फ़ीमेल हीट पे आती है तो हीट पे मीटिंग कराने से पहले ही अपनी फ़ीमेल को बात करा लें। जो अभी मैं कराने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी सामान लेके आ गया हूँ। तो अब ये कॉटन मैं इसके कान में लगा दूंगा, ताकि जो इसके कानों में पानी वगैरह ना जाए। और ये अपना मेरा स्प्रे है, जो अभी इसको टिक्स वगैरह होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, बना के रखा हुआ है। तो आज इसको मैं चार्ली को बात कराऊंगा, अकेला रहता हूँ तो यार वीडियोज़ भी नहीं बना पाऊँगा अच्छे से। तो आपको सिर्फ बेसिक मैंने बता दिया है किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आपकी फ़ीमेल हीट पे आती है। तो सबसे पहले उसकी वर्जाइना है कि आपको बाल काट देने हैं, और उसके बाद आप उसको 2-3 दिन के अंदर आप बात करा सकते हो, ताकि आपको आगे जाके बात कराने की ज़्यादा नौबतें ना आएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो सारे पाइप वगैरह लेके आ गया इसको बात कराने के लिए। ये पूरा बात करा लिया एकदम। तो हरदम मीटिंग से पहले ही आप लोग फीमेल को बात करा दे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो हरदम फीमेल की जब भी आपको मीटिंग करानी हो तो उससे पहले ही आप एक बार अच्छे से बात करा दें पूरा। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।